हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से। तो आज की वीडियो में हम देखने जाने वाले हैं फ्लटर ऐप बनाएंगे विथ यूजिंग हेल्पिंग द पाइथन। तो जनरली फ्लटर ऐप को बनाने के लिए डार्ट जो था उसके हेल्प से हम बनाया करते थे पहले, लेकिन अब फ्लटर को हम विदाउट दैट डार्ट यूजिंग द पाइथन हम बना सकते हैं। वो भी कैसे बना सकते हैं, देखिए पहले क्या था ना, अब पाइथन में से कई ऐसे डेवलपर पाइथन जिनको HTML, CSS, JavaScript से कुछ ना कुछ लेना देना नहीं है, उनको ज़्यादा आता भी नहीं, वो करते भी नहीं है। तो बेसिकली वो उनको वो चीज़ एक पूरे विजेट के तौर पे, एक पूरे बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हो या प्री इनबिल्ड सिस्टम के साथ जो हमारा ये जो फ्लैट है वो उसे प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फास्टेस्ट वे टू बिल्ड द फ्लटर एप्स इन पाइथन। फ्लैट बेसिकली एनेबल्स द डेवलपर टू इजीली बिल्ड रियल टाइम वेब मोबाइल डेस्कटॉप ऐप इन पाइथन, नो फ्रंट एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर। मतलब अगर आप एक पाइथन डेवलपर और आपको कोई भी फ्रंट एंड का कोई जीरो एक्सपीरियंस है तब भी आप स्टिल क्रिएट कर सकते हो वाइल यूजिंग दी पाइथन ऐप। बेसिकली फ्लैट क्या करता है, एक फ्लैट आपका एक ऐसा डेस्कटॉप बना सकता है आपको, या मोबाइल एप्लीकेशन, या आपको जैसा चाहे वैसे बना सकते हो विद हेल्प ऑफ दी पाइथन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे ये जो फ्लैट है, आप सिंपली गूगल पे फ्लैट सर्च कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप ये पहली वाली जो लिंक है वो ओपन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो ये डॉक्स में आ चुका है। डॉक्स के अंदर यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, पाइथन गाइड है, ट्यूटोरियल्स और कंट्रोल सारा बताया गया है। अब ये जो हमें कोड देगा, ये कोड रन करने के लिए हमें वीएस कोड की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके सिस्टम में वीएस कोड नहीं है तो पहले उसको इंस्टॉल कर लीजिए और वीएस कोड में अपना जो पाइथन के एक्सटेंशन है, जो रिक्वायर एक्सटेंशन है वो भी इंस्टॉल कर लीजिए। पाइथन के जो एक्सटेंशन होते हैं वो यहाँ पे जाके आप सिंपल इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैंने सब कुछ बाय डिफॉल्ट पहले से प्री डिफाइंड इंस्टॉल कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको पाइथन का यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा, बिकॉज यहाँ पे अभी ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं फिर से नहीं करूँगा। तो अब हम हमारा जो फ्लैट है उस पर जाते हैं वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं फ्लैट बेसिकली क्या है। तो फ्लैट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि दैट अलाउज बिल्डिंग इंटरैक्टिव मल्टी यूजर वेब डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशन इन योर फेवरेट लैंग्वेज विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। मतलब बेसिकली ये एक चलता फिरता ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें अलाउ करता है बिल्डिंग एक इंटरैक्टिव मल्टी यूजर वाली वेब है या डेस्कटॉप है। मतलब ये इतना अच्छा है कि आपको वेब एप्लीकेशन या डेस्कटॉप के लिए या किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी आप ऐसे ही इसको बना सकते हैं। और इसका जो यूआई होता है वो आप बना सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं कुछ फ्लैट के कंट्रोल से, फ्लटर बाय दी यूजिंग द फ्लटर बाय गूगल। फिर ऐसे ही कई सारे हमारे फ्लैट के एग्जांपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने दिए हुए। सो यहाँ पे एक फ्लटर का जो एक एग्जांपल है वो ये है, इम्प्रो। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटर डॉट पी वाई नाम की एक फाइल दी हुई है, इसका एक कोड है। तो चलिए हम इसको एक रन करके देखते हैं पहले हमारे वी एस कोड में, ट्राई करते हैं कि ये किस तरह से हमारे विंडोज में काम करेगा। तो ये है मेरा वी एस कोड, यहाँ पे मैं उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ पहले। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा ये जो कोड है ये दिख रहा है, आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपना ये जो कोड है इसको मैं अपने टर्मिनल में रन करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक इंपोर्ट किया है फ्लैट को एज एफ टी, बिकॉज ये हमारी पाइथन की एक लाइब्रेरी में है। उसके बाद एक फंक्शन बनाया है इन्होंने, उस फंक्शन के अंदर इन्होंने पेज डॉट टाइटल, ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है यहाँ पे बार, और उसको हेल्प करके इन्होंने यहाँ पे एक एक काउंटर पेज बनाने की कोशिश की है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसा दिखेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल खोल देता हूँ इसको रन करने के लिए। ऑल राइट, अब मैं यहाँ पे उसको रन करूँगा। स्क्रीन को मैं पहले छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे अच्छे से ये दिखे। या अब इस पाइथन को मैं रन करूँगा अपने टर्मिनल में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने मुझे कुछ एरर बताया। ओके, आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ बाय मिस्टेक, आई थिंक मुझे इसमें सेंड कलर एज करना चाहिए। ओके, तो शायद मेरा टर्मिनल जो था उसमें मैंने गलत तरीके से टर्मिनल को ओपन किया था। मैं अगेन इसको रन करूँगा यहाँ पे रन इन पाइथन। सो लेट्स सी ये क्या करता है। ओके, या गाइस यू कैन सी ये ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसने यहाँ पे जो फ्लैट काउंटर है उसी के एग्जांपल में क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे काउंटर है, मतलब अगर मैं इसमें प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये इंक्रीज करेगा, और जितने नंबर ऑफ टाइम मैं इसको इंक्रीज करना चाहूँ उतने नंबर ऑफ टाइम। ये यहाँ से मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, मैं नंबर जितने चाहूँ उतने दे सकता हूँ, यहाँ पे माइनस कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ HTML, CSS, JavaScript कुछ यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली बस एक पाइथन कोड है उसको सिंपली लिखा हुआ है मैंने फ्लैट में, और उसका ही एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे बना सकते हैं। मतलब अगर आप एक पाइथन डेवलपर
पर अगर आपको HTML या जितना भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से नहीं आती है, तो स्टिल आप एक अपना फ्लटर जो कि अपना फ्लैट ऐप है उसका यूज़ करके कुछ इस तरह से अपनी एप्लीकेशन से या ब्राउज़र पे एप्लीकेशन आपको क्रिएट करनी है तो वो भी कर सकते हैं, आप बना सकते हैं इसीलिए। तो काफ़ी हद तक ये आसान है इसे बनाना। तो चलिए इसका थोड़ा हम और एक्सप्लोरेशन करते हैं, हम यहाँ पे वेबसाइट पे और भी देखते हैं, ऐसे कई सारे यहाँ पे हमको दिए हुए इन्होंने ट्यूटोरियल्स, तो चेक करते हैं हम यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे पाइथन की जो गाइडलाइन दी हुई है यहाँ पे इंस्टॉलिंग द फ्लैट। ओके सो बिफोर हम अगर बिफोर द स्टार्ट वी हैव टू इंस्टॉल दिस PIP इंस्टॉल फ्लैट। ओके तो दोस्तों यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी करूँगा PIP इंस्टॉल फ्लैट। लेकिन बात क्या है ना कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो अपना फ्लैट है उसको इंस्टॉल कर रखा है, इसके लिए ये मुझे इंस्टॉल करने का बताएगा नहीं, सेटिस्फाइड बताएगा रिक्वायरमेंट को, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन आपको पहले ये इंस्टॉल करना पड़ेगा PIP इंस्टॉल फ्लैट, तभी ये लाइब्रेरी रन होगी। मैंने ऑलरेडी कर रखा था इसलिए ये लाइब्रेरी जो थी मेरे कोड अंदर रन हो गई। आपको ये कमांड रन करना आएगा PIP इंस्टॉल फ्लैट। अगर मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी कमांड ये आपने कर चुके हैं तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, उसको प्री रिलीज करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सारे कोड में दिए हुए। अगर आप लिनक्स में यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स के लिए भी अलग से हमें दिया हुआ है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो हमें ये बहुत ही अच्छे लेवल पर प्री बिल्ड देता है, यहाँ पे दे सकते हैं बेसिक एक ऐप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको भी हम कॉपी करके पेस्ट करके चेक कर सकती है कि कैसा लगेगा। ओके कंट्रोल वी, ओके शायद ये ठीक से कॉपी नहीं हुआ, नाउ कंट्रोल वी। अब इसको मैं रन करूंगा टर्मिनल में तो आप देख सकते हैं कैसे ये लोड हो रहा है। तो बेसिकली ये किसने ऐसा एक ऐप में क्रिएशन किया, जैसे हम ऐप में जनरली कोई भी पेज में लोड करते हैं तो वो पास करता है, तो पास के टाइम पे वो कैसे रीलोड करता रहता है पूरा टाइम, लोडिंग का सिंबल देता है। तो ये उस तरह से इसने यहाँ पे मेरी फ्लैट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके उस फंक्शन को यूज़ किया और इसको रन करवा रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने फ्लटर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे वेब ब्राउजर में भी रन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको सिंपली बस ये लाइन ऐड करनी है, तो अपना जो आपका ये जो कोई भी कोड के थ्रू आप जो भी ऐप या बनाना चाहते हो वो आपके वेब ब्राउजर में भी रन हो सकता है, बस आपको सिंपली यहाँ पे ft.web ब्राउजर को ऐड करना है। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कंट्रोल्स है, यूजर इंटरफेस इज मेड ऑफ कंट्रोल, मतलब यहाँ पे एक विजेट्स होंगे जिसमें कलरफुल होंगे, आप वहाँ पे वैल्यू दे सकते हो, उस पर्टिकुलर पे कलर भी डाल सकते हो, मतलब जैसे हम CSS में करते थे ना, हम किसी भी बॉर्डर पे हेडर पे या पैराग्राफ में कलर करते थे, वैसे हम यहाँ पे भी पाइथन में उस पर्टिकुलर वर्ड पे कलर का ऑप्शन देके उस पे कलर करवा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कुछ इस तरह से कोड में, तो आप देख सकते हो कहीं भी CSS या HTML किसी का भी यूज़ नहीं किया, सिंपली पाइथन का यूज़ किया है और उसको रन कर दिया। तो मतलब कुछ इस तरह से अब आपको मतलब अगर पाइथन डेवलपर तो आपको HTML CSS सीखने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं लग रही है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने फ्लैट ऐप का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे और भी कई सारे आप चीज़ें यहाँ पे लार्ज लिस्ट के बारे में बताया हुआ है, इसका पूरा कोड दिया हुआ आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप ट्यूटोरियल्स में जाते हैं तो ये लोग हमें एक ट्यूटोरियल्स बताएंगे, जैसे कि पाइथन में टू डू अप कैसे बनाना है हमें, उसके बाद हमारा कैलकुलेटर ऐप बना सकते हो आप चाहे तो, कैलकुलेटर ऐप के लिए भी पर्टिकुलर इन्होंने कोड प्रोवाइड किए हुए, जैसा कि आप देख सकते हो ये एक पेज वाला कोड है। उसके बाद फिर एडिंग पेज है, एडिंग पेज में आप देख सकते हो इन्होंने कैलकुलेटर के अंदर के सारे बटन से उसको कुछ इस तरह से पहले ऐड कर दिए विदाउट यूजिंग दिस CSS एंड JavaScript, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली उस पेज टाइटल को एक नाम दे दिया, देन उस पे रिजल्ट पे एक प्रिंट करा दी अपनी वैल्यू .txt वैल्यू में, और उसके बाद एक पेज डॉट ऐड नाम का जो फंक्शन क्रिएट किया उसी के अंदर इन्होंने सारे अपने जो एलिमेंट्स थे उसको डिफाइन कर दिया और कुछ इस तरह से इसको क्रिएट किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज का लेआउट है, उस पेज के लेआउट को भी किया है। तो सिंपली बस आपको पाइथन का आना चाहिए कोड और पाइथन के कोड के यूज़ से आप कुछ इस तरह से अपना कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से जो फ्लैट है वो बहुत ही अच्छा है, UI का यूज़र इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है और काफ़ी हद तक ये आसान भी है यूज़ करना। तो दोस्तों यही था हमारा फ्लैट और फ्लटर के बारे में, हम कैसे ऐप बना सकते हैं यूजिंग द पाइथन। हमें डार्ट की भी ज़रूरत नहीं है, जनरली लोग डार्ट का भी यूज़ करते हैं बट अब बिल्कुल अब ये पाइथन के थ्रू भी हो सकता है दोस्तों, तो ये काफ़ी हद तक हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है। तो दोस्तों यही था हमारा वीडियो यहाँ तक, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।